कहानी सुनिए। कहानी ये है कि एक बार जयपुर के राजा ने स्वामी विवेकानंद को अपने महल में बुलाकर उन्हें आदर सम्मान करने की इच्छा जताई। राजा के आग्रह पर विवेकानंद उनके महल पर पहुंच गए। उनके आने पर एक भव्य आयोजन किया गया। राजा ने इस कार्यक्रम में कई नर्तकियों को भी बुलाया, उनमें एक वेश्या भी थी। हालांकि राजा को इस बात का एहसास हुआ कि सन्यासी की मेजबानी करते वक्त किसी वेश्या का बुलाना नहीं चाहिए, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वहीं जब यह बात विवेकानंद को पता चला कि उनके स्वागत में एक वेश्या भी आई है, तो वो काफी परेशान हो गए। परेशानी की वजह थी कि विवेकानंद अभी तक पूर्ण सन्यासी नहीं बने थे, इसलिए उन्हें इस बात की चिंता थी कि वो जिस यौन इच्छाओं को दबाए हुए बैठे हैं, वो इच्छा वेश्या को देखकर जाग न उठे। वेश्या से दूरी बनाने के लिए विवेकानंद को खुद को एक कमरे में बंद कर लिया। अब जब राजा को इस बात की भनक पड़ी, तो वो समझ गए कि आखिर क्यों उन्होंने खुद को कमरे में कैद कर लिया है। राजा सीधे विवेकानंद से माफी मांगने उनके कमरे में दाखिल हुए। दाखिल होने के तुरंत बाद राजा ने माफी मांगते हुए कहा कि उसने कभी भी किसी सन्यासी की मेजबानी नहीं की थी, इसलिए उससे यह भूल हो गई। राजा ने कहा कि जो वेश्या उनके स्वागत में आई है, वो देश की सबसे बड़ी वेश्या है, इसलिए उसे यूं वापस भेजना अच्छी बात नहीं है। यह बात सुनने के बाद भी विवेकानंद का आक्रोश कम नहीं हुआ और उन्होंने कहा कि वो कभी भी एक वेश्या के आगे नहीं आएंगे। विवेकानंद की यह बात वेश्या के कानों तक पहुंच गई। वेश्या ने इसके बाद बिना समय गंवाए गाना शुरू कर दिया। वह गीत सन्यास पर आधारित था। वेश्या ने गाते हुए कहा, मैं जानती हूं मैं आपके योग्य नहीं हूं, लेकिन आप मुझ पर थोड़ी दया कर सकते थे। मैं जानती हूं कि मैं रास्ते की गंदगी हूं, लेकिन आपको मुझसे नफरत करने की जरूरत नहीं है। मेरा कोई वजूद नहीं है, मैं अज्ञानी हूं, मैं पापी हूं, लेकिन आप तो एक संत हैं, फिर आप मुझसे क्यों डर गए और क्यों डर रहे हैं? यह बात जैसे ही विवेकानंद के कानों तक पहुंची, उन्हें तुरंत अपनी गलती का एहसास हो गया। उन्होंने खुद से पूछा कि आखिर वो वेश्या से डर क्यों रहे हैं, वेश्या के पास जाने में क्या पाप है। इसके बाद विवेकानंद को एहसास हो गया कि उन्होंने वेश्या के आकर्षण का डर है। सही बात है, उन्हें ऐसा लगा कि अभी वो पूर्ण सन्यासी है नहीं, तो कहीं ऐसा ना हो कि उसके आकर्षण में पड़ जाए। अगर वो अपने मन से यह डर निकाल देंगे तो उनका मन शांत हो जाएगा, जिससे वो एक पूर्ण सन्यासी बनने की तरफ बढ़ सकेंगे। इसके बाद वो फौरन दरवाजे से बाहर निकल गए और वेश्या को प्रणाम किया। न सिर्फ वो वेश्या के आगे गए, बल्कि उन्होंने वेश्या से बातचीत करते हुए कहा, भगवान ने आज एक बड़ा रहस्य खोल दिया है। मुझे डर था कि मेरे अंदर कोई वासना होगी, लेकिन आपने मुझे पूरी तरह परास्त कर दिया। मैंने ऐसी शुद्ध आत्मा पहले कभी नहीं देखी। विवेकानंद ने आगे कहा कि अगर मैं आपके साथ अकेले भी रहूं तो मुझे कोई परवाह नहीं। तो देखा, इस तरीके से विवेकानंद ने हमको ये बताया कि अगर हमारा मन पर काबू है तो कोई भी चीज हमें अपने रास्ते से हटा नहीं सकती है। आपका जो संकल्प है वो दृढ़ संकल्प होना चाहिए और आपको अपने संकल्प पर टिके रहना चाहिए। रास्ते में आने वाली कोई भी चीज आपको आपके रास्ते से हटा नहीं सकती है। धन्यवाद।